हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल का हिंदी मीनिंग होता है सद्भावना या मंगल कामना। तो ये एक भजन है, इसमें प्रार्थना की गई है कि हमारी जो आत्मा है वो पवित्र हो, उसमें लोगों के लिए सद्भावना हो, हम जो करें वो लोगों की भलाई के लिए करें, हम हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करें। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज वन ऑफ द फोर वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा एंड अथर्वेदा बीइंग द अदर थ्री विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक्स। अब ये जो भजन है, हिम है, गुडविल, इसको कहाँ से लिया गया है? ये बताया गया है कि इस भजन को यजुर्वेद से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चार वेद हैं, तीन वेद और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हें सबसे प्राचीन किताबें माना जाता है। द डेट ऑफ द वेदास इज कॉन्ट्रडिक्ट्री। बाल गंगाधर तिलक असाइंड 4500 BC एंड मैक्स मूलर असाइंड बिटवीन 2500 to 1500 BC। इनका जो रचना काल है कि इन वेदों की रचना कब की गई, इसमें लोगों में, विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग विचार हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मानते थे कि इनकी रचना 4500 BC मीन्स लगभग 4500 साल पहले, कब? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 4500 वर्ष पूर्व इनकी रचना हुई थी, जबकि मैक्स मूलर इसको 2500 से 1500 साल पहले मानते थे। वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो भी रचना का समय रहा हो, ये माना जाता है कि यह जो वेद हैं, ये संसार की सबसे प्राचीन जो किताबें हैं उनमें हैं। दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। और इनमें किसके बारे में बात की गई है? डेटी यानी कि देवताओं के बारे में, क्रिएशन, रचना, जो संसार की रचना हुई है, और एग्जिस्टेंस, जो इस संसार में जो हमारा अस्तित्व है, इस संसार का जो अस्तित्व है उसके बारे में बात की गई है। इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड टू डू ओनली वॉट इज गुड। अब ये बताया गया है कि इस जो पोएम है या ये जो भजन है गुडविल, इसमें क्या प्रार्थना की गई है। तो इसमें इन्वोक्ड, किसको इन्वोक किया गया है, किसका आवाहन किया गया है, मींस प्रार्थना किससे की जा रही है? डिवाइन एसेंस, जो दैवीय तत्व है, द पियरलेस स्पिरिट, जो अनुपम आत्मा है, या द डेथलेस फ्लेम, जो कि कैसी, डेथलेस मीन्स क्या होता है, जिसकी मृत्यु ना हो, अमर, फ्लेम मीन्स ज्योति, जो अमर ज्योति है, जो एक अनुपम आत्मा है, जो दैवीय तत्व है, उसका आवाहन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि वो हमारी जो ये जीवात्मा है, जो हमारा ये मस्तिष्क है, मन है, इसमें एक इच्छा को जागृत करे। क्या इच्छा हो? वो सिर्फ वो कार्य करने की जो कि अच्छे हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, स्पिरिट ऑफ गॉड। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य की आत्मा है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, ये भी, इसकी प्रकृति कैसी है? डिवाइन, दैवीय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कहते हैं ना कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, और फिर वो दूसरा जन्म ले लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और क्यों नहीं मरती? क्योंकि ये डिवाइन एसेंस, ये भी दैवीय तत्वों का ही एक भाग है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो परम शक्ति है, ईश्वर, और हमारी आत्मा उसी का अंश है ना? तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाई दैट डिवाइन नेचर। और जो
बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो कि सारे रिचुअल्स जो जो रिचुअल्स कौन से होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों को बोलते हैं, उनको जो ऑब्जर्व करते हैं, वो किससे कंट्रोल होते हैं, किसके नियंत्रण में होते हैं, इसी दैवीय स्वभाव के कंट्रोल में होते हैं। मीन्स उनके जो आत्मा है वो बहुत पवित्र होती है और इसीलिए वो अच्छे कार्य कर पाते हैं। एज द फ्लीट फुटेड horses are controlled by reins, so our fleshy desires are controlled by the mind in us. और क्या क्या example दे रहे हैं कि जिस प्रकार fleet footed यानी कि बहुत तेज फुर्तीले जो घोड़े होते हैं ना, बहुत तेज दौड़ने वाले जो घोड़े हैं, वो लगाम के द्वारा control में किए जाते हैं। लगाम क्या होती है, जो एक leather की strip होती है जिससे उनको control किया जाता है, उससे उनको कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार जो हमारी इच्छाएं हैं, फ्लेसली जो डिज़ायर्स हैं, मीन्स कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं हम, कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो हमारे इस माइंड से, यहाँ पर फिर से मतलब आप जीवात्मा से लें, जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कि यदि उसका वो अच्छा नियंत्रण है तो हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अच्छा करेंगे। और उसकी अगर लगाम जरा भी ढीली हुई तो हम कभी भी किसी भी गलत संगत में पड़ सकते हैं, हम किसी भी गलत कार्यों में पड़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना। मे दैट वाई विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. अब क्या किया जा रहा है, अब ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई क्यों चाहिए गुडविल, अंदर जो मंगल कामना क्यों हो, सद्भावना क्यों हो, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, है ना, अगर होगी तो क्या होगा, वो तो बता रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होगी तो क्या होगा। जैसा कि जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जब लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, तो फिर क्या होता है, समाज में जो अभी हम बुराइयां बढ़ती हुई देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ही सही, लेकिन अभी जो हम लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जो गुडविल है, सद्भावना वाली जो बात है वो है नहीं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए समाज में इसका रिजल्ट हमें दिखता है करप्शन के रूप में, चोरियों के रूप में, फिर चाहे वो कुछ भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, ये जितनी जो बुराइयां हैं ये क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर वो सद्भावना वाली फीलिंग है ही नहीं, वो गुडविल नहीं है, लोगों के प्रति मंगल कामना की भावना है ही नहीं, हम लोग सिर्फ अपना भला सोचते हैं। तो अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मी दैट वाई विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, अब मे से वर्ड शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, कामना की जा रही है, और आगे किस क्या वो कह रही है, बाई विच जिसके द्वारा वाइज मैन यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, स्किलफुल इन रिचुअल्स, स्किलफुल मीन्स होता है निपुण, किसी कार्य को करने में पारंगत, इन रिचुअल्स धार्मिक अनुष्ठानों में, जो वाइज मैन हैं बुद्धिमान लोग हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण होते हैं, एंड स्टडी इन असेंबलीज, स्टडी मीन्स स्थिर रहना, दृढ़ संकल्पित होना, इन असेंबलीज सभाओं में, परफॉर्म देयर टास्क और अपने कार्यों को करते हैं, वह जिसके द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति रिचुअल्स में स्किलफुल होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण होते हैं, अपने जो उनके जो कार्य हैं उनको करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित होते हैं और अपने कार्यों को करते हैं, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, वो पियरलेस स्पिरिट को अनुपम आत्मा जो कि सभी क्रिएचर्स सभी प्राणियों में विद्यमान रहती है, मे दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन वॉट इज गुड, वो क्या जो आत्मा है जो सभी प्राणियों में है, मेरे अंदर भी है, कभी कह रहा है वो क्या करे, माय माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, वो जो मेरी जीवात्मा है वो हमेशा रिजॉल्व मीन्स होता है दृढ़ संकल्पित होना, किसके लिए हमेशा, किस में दृढ़ संकल्पित रहे, ऑन व्हाट इज गुड, जो अच्छा है वो करने के लिए, यानी कि मेरे अंदर हमेशा
अच्छे कार्य करने के लिए ही संकल्प रहे। मैं हमेशा अच्छा करूं, जो अच्छा हो, जिससे लोगों की भलाई हो और समाज में मेरा सम्मान बढ़े। May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good. क्या कह रहे हैं कि that which is deep knowledge, वो जो कि गहन ज्ञान है, बुद्धि है, और क्या है, memory, याददाश्त है, that which is deathless flame इन लिविंग बींग्स, वो जो प्राणियों में, जो मनुष्य हैं, लिविंग बींग्स जो हैं, जीवित प्राणी जो हैं, उनमें ये जो डेथलेस फ्लेम है, डेथलेस फ्लेम यानी कि अमर ज्योति जो है, यानी कि वही दैवीय अंश, जो परमात्मा का अंश, जो जीवात्मा है, उसी से क्या है, उसी वो किसका, ये जो नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी, तीनों ही चीज़ें उसी का भाग हैं। यदि आत्मा ही नहीं होगी, आत्मा पे ही कंट्रोल नहीं होगा, हम उसी को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ना ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, ना ही इंटेलेक्ट, और ना ही हमारी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। विदाउट विच नथिंग वट एवर इज डन, जिसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ना ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, ना ही इंटेलेक्ट, और ना ही मेमोरी। मीन्स अगर हमारी जीवात्मा जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें जो गुडविल, आत्मा तो सभी की अच्छी होती है, मीन्स हम उसको अगर सुनते नहीं हैं, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं कवि कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाए, वो जागृत हो जाए, कि वो हमें हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करे, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे, और हम उसकी सुने। जैसे आपने सुना होगा ना कि कभी कभी जब कोई बहुत बुरा कुछ कर रहा होता है, गलत काम करता है, तो लोग बोलते हैं अरे उसने तो अपनी आत्मा को बेच दिया है, या उसकी आत्मा मर गई है। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या कोई अपनी आत्मा को बेच सकता है, क्या वो कोई चीज़ है, या मर गई कैसे, हम तो जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो मतलब क्या होता है कि वो सुप्तावस्था में है, मीन्स हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं, वो उतनी स्ट्रांगली हमें गाइड नहीं कर पा रही है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जो कवि हैं वो यही प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि वो जो आत्मा है उसके अंदर एक गुडविल हो, सद्भावना हो हमारे अंदर, और वो हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करे और हमें हमेशा नेकी, अच्छाई के रास्ते पर चलाए। Without which nothing whatever is done, और जिसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। Means यदि ये जो deathless flame है, ये जो परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर है, जीवात्मा है, वो अगर हमें सही से guide नहीं करेगी, अच्छी इच्छा नहीं होगी उसके अंदर, goodwill नहीं होगी, तो हम knowledge नहीं gain कर सकते, intellect नहीं gain कर सकते, memory कुछ भी नहीं कर सकते, और इन सब के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। Me that my mind resolve on what is good. ये लाइन फिर से रिपीट की गई है कि हे भगवान, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उस जीवात्मा से कि मेरी ये जो जीवात्मा है वो हमेशा दृढ़ संकल्पित रहे, हमेशा संकल्पवान रहे, क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए। लास्ट स्टेंजा, me that which guides men like a good charioteer, who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good. कितना अच्छा example दिया गया है कि जो हमारी ये जो जीवात्मा है, जो हमारे अंदर ये जो आत्मा है, ये हमें कैसे गाइड करती है, कैसे हमारा पथ प्रदर्शन करती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक अच्छे सारथी की तरह। सारथी कौन होता है, रथ चलाने वाला। जैसे एक रथ चलाने वाला सारथी व्यक्ति अपने फ्लीट फुटेड घोड़ों को, फ्लीट फुटेड कौन से, वो कैसे घोड़े होते हैं, बहुत ही जो तेज गति से चलते हैं, जिनको फुर्तीले बहुत कहते हैं, कि कभी इधर उधर पल में किसी भी दिशा में चले जाएं, ऐसे घोड़ों को वो लगाम से कसता है, अपने रथ के जो घोड़े हैं उन पर लगाम कस के रखता है, और उन्हें एक सीधी दिशा में, एक सही रास्ते पर उन्हें चलाता है। अगर उसकी लगाम ढीली हो जाएगी तो क्या होगा, वो तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, और रथ का तो बिल्कुल ही
स्वाहा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल पथ से अपने वो भटक जाएगा। उसी प्रकार दैट विच अबाइड्स इन हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव मी दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। उसी प्रकार जैसे जो वो सारथी है और अपने रथ को कंट्रोल में कर, अपने जो उसका जो रथ है उसके घोड़े हैं उनको कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ये जो हमारी जीवात्मा है ये उस सारथी की तरह है जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करता है। इंद्रिय रूपी घोड़े, ये भी बहुत तेज दौड़ते हैं ना, दिमाग के घोड़े कहते हैं, एक पल में बैठे बैठे कहीं कहीं इंद्रियां जो होती हैं, आँख है, नाक है, हाथ है, आँखें बस अच्छा देखना चाहती हैं, कभी किसी भी तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ भी है, तो उनको कंट्रोल में करना कि हमें सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर ही चलना है, हमें सिर्फ वही करना है जो अच्छा है, तो उसको ये कंट्रोल में रखे। अगर हमारी जीवात्मा का हमारी इंद्रियों पर एक अच्छे सारथी की तरह कंट्रोल होगा तो ये जो हमारी इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ना इन पर लगाम कसी रहेगी और ये इधर उधर नहीं भटकेंगे, एक सीधे रास्ते पर चलेंगे। मे दिस माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। और इनको कैसे बताया गया है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो हमारा जो दिमाग है, मन है, वो कैसा है, बहुत ही मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मीन्स तुरंत कहीं भी पहुंच जाता है। और लास्ट में फिर से वही लाइन रिपीट की गई है, मे दिस माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, कि ये जो मेरा मस्तिष्क है या जो मेरी जीवात्मा है वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलती रहे या हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए ही दृढ़ संकल्पित रहे। तो इस पोएम में ओवरऑल क्या बताया गया है कि जो जीवात्मा है, पीयरलेस स्प्रिट है, जो आप कह सकते हो जो डिवाइन एसेंस, पीयरलेस स्प्रिट, डेथलेस फ्लेम, तीन चीज़ें, दैवीय तत्व, अद्वितीय आत्मा, अमर ज्योति, इनको इन्वोक किया गया है, प्रार्थना की गई है कि हमारी ये जो जीवात्मा है ये हमेशा हमें हमारा पथ प्रदर्शन करे कि हम नेकी के रास्ते पर चलें, हमेशा वो करें जो अच्छा है, और बिल्कुल एक अच्छे सारथी की तरह हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, हमारे जो कार्य हैं उनको कंट्रोल में रखे और हमेशा हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो इसी के साथ में हमारी आज की पोएम यहीं पर समाप्त होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।